हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 27 तारीख से धान की फसल खरीद की ट्वीट कर घोषणा की थी, लेकिन जींद जिले में हालात इसके विपरीत हैं। जब किसानों को उनकी बारी के अनुसार फोन पर मैसेज भेजकर जींद की नई अनाज मंडी में बुलाया गया तो पूरा दिन किसानों की फसल नहीं खरीदी गई। किसान सारा दिन अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन कोई खरीद एजेंसी सामने नहीं आई। आखिरकार किसानों ने धान से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों को मंडी सचिव के दफ्तर के सामने खड़ी कर जाम लगा दिया। मामले की सूचना पाकर जिले की सुरक्षा एजेंसी और अधिकारी मौके पर पहुंचे। कोंद कला गांव से आए किसान करनैल सिंह का कहना है कि हमने दिन रात लगाकर धान मंडी में लाने के लिए प्रयास किया, लेकिन यहां पहुंचने पर फसल नहीं खरीदी गई। इतना ही नहीं, फसल में नमी ज्यादा बता दी गई, लेकिन उसी यंत्र से हमने नापा तो नमी सही पाई गई। जीरी पे चढ़ाए थे और आज हमारा मैसेज आ रहा था 29 तारीख का खरीद का, तो हमने सारा दिन सारी रात तो कल जीरी बरसाई, आज लेकर आए दिहाड़े भर के आंदे वो आया था उरा है तो मिट्टी वाला उसका के था और हमारा गेट पास भी कट लिया उरा है के सारा काम फट हो गया। वो आंदे नाइट गया बोला हमारा पास जगह नहीं है, फलान नहीं है कि मैं उसकी वह लायक मशीन ही देखी, मोस्टर का ना बता दिया, फिर मैं हमने मशीन लाई मारे उससे आता है 15 मोस्टर आया उसे मशीन गल है। वो पहले हाथ हूथ लगाएगा आया था उसके नीचे, उसके बाद मेरा कुछ हमने कुकर के करा है, फिर उरा मार्केट कमेटी में आए कोई हमारी कया सुनी नहीं हुई, फिर मैं उन्हें सारे दिहाड़े भर के भाई मार्केट कमेटी हेर दी है या जाम लाए दी है ट्रैक्टर लाए दिए है। तो ऐसे में आपके पास फसल खरीदेंगे क्या जी? ऐसे में साथ आपके पास ऐसे में आए थे दो बार, तो वह 28 बजे लेकर आनी है 29 तारीख ने और 2 बजे लग एंट्री करानी है, माँ मेरे 11 बजे आए लिए और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही और कोई मतलब कोई कार्रवाई कोई नहीं, मानो दी भी रार रोक दिया रेड बैठी हम। सरकार कह रही कि कितना खरीद जाए किसान झूठ बोल रहे हैं नरी, परसों का चौथा हमने सुना था दूसरे तक चुटा लगा भी बयान, वो भी कहता 26 तारीख तक होगी सरू कोई दाना नहीं खरीद हो रहा भाई, नरी झूठ है नरी बुकाई है, इन बातों में ना जाइयो, रियल मैं कह देखो अड़े के हो रहा है माटी कुट रही है किसानों की। अगर ये नहीं खरीदोगे किस तरह की प्रक्रिया करोगे? प्रक्रिया के है बड़ा बैठे हैं भूखे बने रहे जाएंगे और के करेंगे, मारा की प्रक्रिया है, मरना किसान ने तो बाद में कदे मर जो आज मर जो कल मर जो, ये तो मौत का सामान है सीधा ही। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि जब किसानों ने ट्रैक्टर ट्रालियों के अधिकारियों के गेट पर खड़ा किया तो पुलिस बल और मंडी सचिव उनको समझाने पहुंचे। किसानों ने अधिकारियों के सामने आज फसल खरीद का मैसेज भी दिखाया और मंडी में प्रवेश करने का गेट पास भी दिखाया, जिस पर अधिकारी गलती मानते साफ नजर आए और उनकी बेबसी नजर आई। बड़ी जद्दोजहद के बाद जब अधिकारियों ने अगले दिन फसल खरीद का आश्वासन दिया तो किसान किसी तरह मानने को तैयार हुए। क्या मामला था? ऐसा है, पीआर के लिए जमींदार आए हुए थे हमारे पास खरीद के लिए, आज एफसीआई की खरीद है और एफसीआई जो है एफसीआई ने ये कहा है कि हम बिना किस आढ़ती की कंसेंट के बिना आढ़ती की सहायता के हम खरीद नहीं कर सकते, ये हमारे नॉर्म्स में है। हमने उनसे बात की थी कि भाई आप जो है ज़मींदार को आकर यहाँ पर संतुष्ट करें, लेकिन वो जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है, तो अभी हमने किसान को आश्वासन दिया है कि कल हम उसकी खरीद करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खरीद जो है एफिड की और एफसीआई की है, तो कल जो खरीद है वो एफिड की है, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जो है इस खरीद को शुरू करवाएं और किसान को कोई दिक्कत ना हो। सब किसानों ने कहा कि हमारे पास मैसेज आया हुआ था खरीद का, तो जी बिल्कुल मैसेज इनके पास आया हुआ था, हमने चेक किया है मैसेज बिल्कुल आया हुआ है और इनमें इसका कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये है कि आढ़तियों की हड़ताल होने के कारण, क्योंकि राइस मिल्स भी अलॉट नहीं हुए हैं अभी, सरकार से उनकी वार्ता जारी है, तो जैसे ही उस वार्ता का कोई सकारात्मक हल निकलेगा तो खरीद भी सुचारू रूप से चलेगी। कितने टेम्परेचर के उस पर खरीद जाती है? ये 17% की नमी पास है। तो सर दुआ के किसान आएंगे सर, उनको लेके आप किस तरीके का? बस अभी यही है कि मैं तो किसानों को यही राय दूंगा अभी फिलहाल तो कि है एक दो दिन इंतज़ार करें और अपने जो धान को बाजरे को जो है अच्छी तरीके से सुखाएं ताकि वो नॉर्म्स में खरा उतरे और आगे जब खरीद सुचारू रूप से चलती है तो उनको बेचने में कोई दिक्कत ना। जींद नई अनाज मंडी के सचिव ने कहा कि आज एफसीआई की खरीद का समय था, लेकिन एजेंसी ने आढ़तियों को बिना खरीद करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम दूसरी एजेंसियों से खरीद करवाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी आढ़तियों की हड़ताल चली हुई है जिसके कारण एजेंसी ने खरीद से मना किया है।
उन्होंने बताया कि इसमें किसान का आज कसूर नहीं था, हम इनका समाधान करने की कोशिश करेंगे। किसानों को बकायदा आज मैसेज भेजकर बुलाया गया था, लेकिन एजेंसी के मना कर देने पर खरीद नहीं हो पाई। भारत 9 के लिए जिनसे अनिल कुमार की रिपोर्ट।